सरकार खरीफ विपणन वर्ष 2019 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने जा रही है, जिससे समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान बड़े ही उत्साह के साथ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन महासमुंद जिले में दस्तावेज दुरुस्त नहीं होने और गिद्वारी सर्वे रिपोर्ट का भुइया साइट पर अपलोड नहीं होने के कारण किसानों का ऑनलाइन पंजीयन नहीं हो पा रहा है। धान खरीदी शुरू में महज 20 दिन ही शेष है, लेकिन प्रशासन अब तक 50% किसानों का भी ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर पाया है। लिहाजा जिले के हजारों किसानों की चिंता बढ़ गई है और किसान प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। अरे पिताजी का जो मृत हो गया है उनके नाम में ऑनलाइन दिखा रहा है, तो इसमें खाता मांग रहे हैं, शासन खाता मांग रहे हैं, खाता के जरिए से उसमें धान भेजते हैं तो पेमेंट खाता के जरिए से चले जाते हैं, तो मृत आदमी का खाता कहाँ से खुलवा पाएंगे। इसमें हम लोगों को पूरे किसान को दिक्कत हो रहा है, ये हो रही कि आप हमको धान नहीं बेच सकते हैं क्योंकि हमारा अब वहाँ पे बीटू नहीं निकल रहा है, तो हम वहाँ पे हमको मांग रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी समस्या ये होगी कि आज हमको 2500 रुपये समर्थन मूल्य में जो धान जो हमारा बिक रहा था, हम अगर उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1100-1100 के ऊपर नहीं मिलेगा हमको। तो ऐसी स्थिति ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, जिसके कारण दिक्कतें हो रही कि अभी जो इनकी जमीन है, जिनके मालिकाना हक इनके पास है, वो जमीन अभी भी इनके पूर्वजों के नाम पे दिखा रही है, जिससे दिक्कतें हो रही कि हम जब धान का पंजीयन कराने जा रहे हैं तो वो पूर्वजों के नाम पे दिख रहा है और पंजीयन नहीं हो पा रहा है, तो हमको आने वाले समय फसल बेचने में दिक्कत हो रही है। इंदौर के अब्बा अस्पताल की 5वीं मंजिल पर हादसा हुआ, यहाँ के बाथरूम की खिड़की से गिरकर